हेलो मरहबा नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएच ब्लॉग्स एंड दिस इज योर बॉय मोहम्मद मेहताबसिन। स्वागत करता आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का सीन कुछ धांसु होने वाला है भाई साहब, क्योंकि मेरे पीछे है दोनों एक्सपल्स, एक जो है छोटा भाई, एक है बड़ा भाई। तो हमारे बड़ा भाई बोलने से हमारा एक्सपल्स 4B है जो पहले आया था, अभी ये आए हैं छोटे भाई, लेकिन ये बड़े हैं साइज में, क्योंकि ये जो है ये रैली एडिशन है साइंड बाई CS संतोष। जो बहुत लोगों ने मुझे बीच में कहा था कि भाई साहब रैली एडिशन के बारे में कुछ बताइएगा, वैसे एक्सट्रैक्स में हमने इसका जो एक रैली किट आता है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन ये जो प्रॉपर रैली एडिशन वाला बाइक लॉन्च किया है हीरो ने, इसके ऊपर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया था। और किस्मत है मेरा कि ये जो पीस मेरे पास है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट का पहला पीस है और इसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये ज़्यादा नहीं है, अभी सिर्फ 700 किलोमीटर चला है, फर्स्ट सर्विसिंग आ चुका है बाइक का। तो शुरू करते हैं, पहले 2-3 सिनेमेटिक्स देख लीजिए बाइक का, उसके बाद मैं एक एक करके शुरू करता हूँ क्या क्या डिफरेंस है दोनों बाइक में। पहला बात जो है लोकेशन हम लोग जानबूझ के ऐसा लोकेशन पे आए हैं, क्योंकि थोड़ा जो वो ऑफ रोडिंग वाला जो फीलिंग है वो आना चाहिए, इसलिए साइड में गिट्टी उट्टी है, इधर में मिट्टी उट्टी है। तो दोनों बाइक का हाइट डिफरेंस आपको पता चल ही रहा है, क्योंकि मेरा ये हाथ बहुत ऊपर है, ये हाथ नीचे है। तो मतलब इसका जो ये फोक्स है, आगे का जो फोक्स है, जो सस्पेंशन दिया गया है बाइक में, वो काफ़ी बड़ा है। अभी मुझे इसका लेंथ तो पता है नहीं इतना अच्छे से, लेकिन ये इससे कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये रैली एडिशन के लिए ही बना है। और इसमें पास में आइए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, इसमें जो है आपको मिलता है रिबाउंड एंड कंपाउंड। ये रहा, ये एक वाइट स्विच है इधर, ये एक वाइट स्विच है और इधर एक रेड स्विच है। ये हो गया आपका रिबाउंड के लिए, इसमें 40 क्लिक्स तक ये घूमता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जिस हिसाब से आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है उस हिसाब से, आपको जिस हिसाब से कम्फर्टेबल लगे उस हिसाब से आप इसको कंपाउंड और रिबाउंड, इसका कंपाउंड और रिबाउंड मतलब हो जाता है, नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ। कंपाउंड हो गया है जो अंदर घुसता है सॉकर, उसको बोलते हैं कंपाउंड, जो अंदर घुसता है सॉकर उसको बोलते हैं कंपाउंड। और रिबाउंड जो है कितना टाइम में वो नीचे से ऊपर आ रहा है, तो उसके वजह से यहाँ पे 40 क्लिक्स तक दिया गया है सस्पेंशन को एडजस्ट करने के लिए, आपको कितना स्मूथनेस में चाहिए आपके वेट हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मैं सीधा आता हूँ पीछे ये मोनोशॉक में हमारे, तो मोनोशॉक भी जो है वो वाले कंपैरिजन एक्सपल्स के हिसाब से काफ़ी बड़ा है इसमें, और इसमें ऑलरेडी 3rd स्टेप में लगा हुआ है मोनोशॉक, और ये 6 स्टेप्स एडजस्टेबल है, मतलब 6 क्लिक्स तक एडजस्टेबल है, इसको आप 6 क्लिक्स ऊँचा कर सकते हैं, लेकिन ये इससे नीचे सिर्फ 2 ही जाएगा, लेकिन फिर भी उससे हाइट में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और फिलहाल मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बाइक वैसे दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों बाइक में जो मोनोशॉक्स और आगे के जो शॉकर्स दिए गए हैं वही सबसे बड़ा डिफरेंस है आपको राइडिंग में, जो आपको मतलब एक हार्डकोर ऑफ रोडर जो बाइक बनाता है वही चीज़ है जो इस बाइक को उस बाइक से अलग बनाता है। और जो मेन दूसरा चीज़ जो है वो आता है आपके चेन स्पोर्केट। चेन स्पोर्केट में मेरे जो एक्सपल्स 204B है उसमें चेन स्पोर्केट में 28 टीथ्स आता है, इसमें 32 टीथ्स आता है। तो जब आप चलाओगे दोनों बाइक्स को तब आपको एक डिफरेंस मालूम चलेगा कि हाँ भाई दोनों बाइक में एक डिफरेंस है उसमें, और इसमें एक पावर का डिफरेंस आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें 28 टीथ्स है इसमें 32 टीथ्स है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों बाइक के अंदर, और आगे का भी मुझे बॉर्केट का पता नहीं अभी, अगर मुझे पता चला तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इस बाइक में डिफरेंस वैसे तो ज़्यादा है कुछ नहीं, लेकिन इस बाइक से उस बाइक के कंपैरिजन में ये है कि ये आप इसको आराम से कहीं पे भी चला सकेंगे, जैसे कि सिटी विटी में हो, तो उसमें सिटी में चलाने में अभी जब मैं आ रहा था व्हाइल आई वॉज राइडिंग इन द सिटी इसमें मुझे प्रॉब्लम मिला, क्योंकि इसका हाइट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका हाइट मेरा जैसा है 5.9 या फिर 5.8, जैसे कि मैं 5.9 का हूँ, तो जब मैं बैठता हूँ इस बाइक में मेरा टिप टो कनेक्ट होता है नीचे तक, देखिएगा जस्ट द टिप टोस, वो भी अगर राइट साइड में मैं पैर दूंगा तो लेफ्ट साइड का ये हवा में रहता है भाइयों, ये पूरा हवा में रहता है मेरा। तो इसके लिए एक इशू हो सकता है कि अगर आप ट्रैफिक में हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रैफिक के लिए नहीं बना, ये ओनली फॉर द ऑफ रोडिंग पर्पज ही बनाया गया है इस बाइक को। और आते वक्त मुझे कुछ पिट होल्स भी मिले थे रस्तों में, तो काफ़ी स्मूथली निकला है ये बाइक, वैसे तो ये बाइक भी निकलता है लेकिन इसमें जो स्मूथनेस मिला है निकलते वक्त इसमें नहीं मिलेगा आपको वो स्मूथनेस, क्योंकि ऑब्वियसली द सॉकर्स एंड द मोनो सॉकर्स वर्क्स वेरी वेल।
और उसके बाद इसका जो कलर और डिज़ाइन दिया गया है, इसको इंस्पायर्ड बाय द डकार रैली, डकार रैली में जो बाइक चलता है हमारे हीरो का, उसके डिज़ाइन के ऊपर इस बाइक का डिज़ाइन बनाया गया है। और ये तो हमारे ग्राफिक्स में आता है, ये आता है डकार रैली के डिज़ाइन में। और पास में आया तो मैं आपको दिखा सकूँगा कि यहाँ पे एक साइंड बाय CS संतोष, जो हमारे इंडियाज पहले फास्टेस्ट राइडर है डकार रैली कंप्लीट करने में, तो CS संतोष का आपको इधर एक साइन भी मिल जाएगा। तो सीधा चलते हैं अभी हम मोटो ब्लॉग में, और मिलते हैं हम आपको ऑफ रोडिंग में, ताकि आपको पता चले कि दोनों बाइक्स का ऑफ रोडिंग जो है, इस बाइक का ऑफ रोडिंग आपने देखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि मैं इसी को चला। आपको पता है कि इसमें जो है इसका जो शॉकर है, इसको हम लोग कंपाउंड रिबाउंड कर सकते हैं, 40 क्लिक्स तक ये एडजस्टेबल है। रेड वाइट का मतलब कंपाउंड है, रेड का मतलब रिबाउंड है। और इसमें जो है कंपाउंड रिबाउंड का कोई सिस्टम नहीं है, ये फिक्स्ड है। इसका जो आगे का शॉकर खेलता है वो उतने में ही खेलेगा, उसको हम लोग कुछ मिला सकते हैं नहीं। तो इसका जो है हमें एक अलग स्मूथनेस मिलेगा। और दोनों बाइक्स में आपको ऑटो सेंसर्स मिलते हैं, कैटलिस्ट कन्वर्टर मिलता है, बाकी सब कुछ सेम है। बस इसमें जो है थोड़ा पावर जनरेट ज़्यादा करेगा, क्योंकि इसमें 32 टीच का शॉकर दिया गया है, स्पॉर्किट दिया गया है, स्पॉर्किट दिया गया है, और इसमें 28 टीच का स्पॉर्किट दिया गया है। बाकी इसका स्टैंड का हाइट भी बहुत बड़ा है। आप लोग उस स्टैंड से इस स्टैंड को अगर कंपेरिजन करें, कि वो स्टैंड मैंने अभी पत्थर पर रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं पत्थर से हटा दूँ तो बाइक मेरा थोड़ा डाउन हो जाता है, इसलिए मैं उसको पत्थर पर रख के रखा हूँ। और ये स्टैंड देखिए ऑलरेडी इतना बड़ा है कि ये सीधा खड़ा है, वो सीधा खड़ा नहीं रहता, वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है बाइक। और उसके बाद आपको जो यहाँ पे गियर लीवर मिलता है हमारे CS संतोष एडिशन में, रैली एडिशन में जो गियर लीवर मिलता है वो उससे थोड़ा बाहर निकला हुआ है भाई साहब। और इसका जो इधर आओ उसके बाद जो आता है इसका ब्रेक, रियर ब्रेक फुट पेडल, इसका जो पेडल है और मेरा जो पेडल है दोनों में डिफरेंस है। ये आपको खासकर मिलता है रैली एडिशन में, उसका मैंने एक्चुअली इंस्टॉल किया हुआ रैली एडिशन, उसमें रैली एडिशन का उसको नहीं आता है, क्योंकि मुझे ब्रेकिंग में बूट्स पहन के, अगर आप एक्सपल्स 400 4B में अगर आप लोग बूट्स पहन के ब्रेकिंग कर रहे हो तो उसका थोड़ा ब्रेक पैड जो है पीछे का, ये जो फुट लीवर जो है थोड़ा शॉर्ट होता है, तो इसलिए मैंने उसमें एक्स्ट्रा करके इंस्टॉल किया हुआ है। तो यही है डिफरेंस दोनों बाइक का, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। अभी हम सीधे मिलते हैं आपसे ऑफ रोडिंग पे। इधर से अभी घुसेंगे ऑफ रोडिंग के तरफ। वाओ, बाइक ने घुसते ही जंप लिया है भाई साहब। और काफी ही स्मूथली जा रहा है बाइक, मतलब मेरे वाले एक्सपल्स 204B के कंपैरिजन में। ओके नाइस। तो ये हमें लिफ्ट मांग रहे थे, अभी फ़िलहाल मैं लिफ्ट नहीं दे सकता हूँ भाई साहब, क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो आते वक्त अगर चांस मिले तो ज़रूर मैं आपको लिफ्ट दे दूँगा भाई साहब। तो बाइक में पहला डिफरेंस मुझे ये मिल रहा है ऑफ रोडिंग में, क्योंकि जैसे कि ये रोड में मैं 2 या 3 नंबर में चला जाता हूँ, तो ये बाइक कह रहा है कि मुझे दो नंबर गियर में ही लेके जाओ, क्योंकि इसका जो गियर है, क्योंकि इसका जो गियर स्पॉर्केट है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसकी वजह से ये कह रहा है कि मुझे 2 नंबर में मैं चला जाऊंगा आराम से, तो मुझे लेके चाहिए 2 नंबर में। लेकिन देखते हैं, ज़्यादा प्रेशर मिलेगा तो हम 3 नंबर शिफ्ट कर देंगे। तो उस गाड़ी वाले भाई साहब को निकलने दीजिए, उसके बाद हम खींचते हैं। ओके, बहुत ही स्मूथली निकल के आया है हमारा जो रैली एडिशन है। तो ये रहा रूट, चलिए आगे से घूम के आते हैं हम। काफी ही स्मूथ, बस मेरे हिसाब से इसका जो कंपाउंड और रिबाउंड है उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, और सैडलिंग में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि इसका जो हैंडलबल राइजर्स है वो मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मेरे हाथों को, क्योंकि मुझे जो मेरा एक्सपल्स 204 भी है उसमें मुझे हैंडल चेंज कराना पड़ा है, क्योंकि उसमें जो स्टॉक हैंडल आता है उसका हाइट काफ़ी नीचे रहता है। तो काफ़ी स्मूथ है हैंडलिंग, एकदम मक्खन हैंडलिंग है। ये जो हैंडल बल राइजर्स इसमें मिलते हैं आपको, ये काफ़ी मतलब यूजेबल, ये काफ़ी हेल्प करते हैं आपको सैडलिंग में। तो हम लोग घुमा के जो ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है उधर चलते हैं, तुम लोग ऊपर पहले चलो, फिर जो है हमारे लिए क्लिप ले लीजिएगा।
तो चलिए अभी देखते हैं ऊपर का स्ट्रेच कैसा लेता है ये बाइक। स्टीप हिल, अप हिल स्ट्रेच। ओके, इधर का रास्ता अच्छा भी हो चुका है। ओह भाई साहब, क्या ही स्ट्रेच लिया है बाइक ने। लेकिन देखा इसका जो चक्का का ग्रिप है और जो स्मूथनेस है सॉकर्स का, जिसके वजह से बाइक बैलेंस हो गया है, वही चीज़ मैं बता रहा था रैली का। वही चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है ऑफ रोडिंग में। हार्डकोर ऑफ रोडर बनाता है इस बाइक को, यही चीज़ है। ओके गाइस, तो मेरा जो मोबाइल से क्लिप है उसमें आपको पता चलेगा कि मैं वहाँ पे डिसबैलेंस हुआ था, लेकिन रैली एडिशन है इसलिए इसने जो है उसको संभाल लिया उसको निकलते वक्त, जब भी मैं डिसबैलेंस हुआ था। तो यही है जो कॉन्फिडेंस है ऑफ रोडर, प्रॉपर ऑफ रोडर जब चलाओगे आप तो ये कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। अगर ये मेरा एक्सपल्स 204 भी नॉर्मल वाला होता, जिसका सस्पेंशन थोड़ा अलग है, सस्पेंशन का खेलना जो है थोड़ा अलग है, तो उसमें आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। मिलता है कॉन्फिडेंस, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला अभी कि मैं नहीं गिरूंगा, वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर रिकॉर्डिंग मी। चलो आओ नीचे मिलता हूँ तुम लोगों से, और मेरा वाला गिरा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा गार्ड वार्ड लगा हुआ है उसमें। ओके गाइस, तो सी एस संतोष एडिशन इज अ बीस्ट फॉर ऑफ रोडिंग। ओह, क्या ही स्मूथली ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि हैंडल बार राइजर जो है वो काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस दे रहा है सैडलिंग के वक्त। पता नहीं क्यों, मेरा इवन मेरा जो हैंडल है वो भी इतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिया था, लेकिन इसका जो हैंडल बार राइडर्स के साथ स्टॉक हैंडल जो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है, मक्खन भाई साहब। सो नाउ इट्स टाइम टू हिट द टर्मैक रोड्स अगेन। तो चलते हैं टर्मैक रोड्स पे, और फाइनल कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। वैसे कि मेरा जो एक्सपल्स 204 भी है वो अभी काफ़ी चल चुका है, तो जिसकी वजह से अभी जो है मेरा हैंडल थोड़ा बबल करता है। शायद मेरा रेसर का थोड़ा इशू आ चुका है, उसको चेंज करना पड़ेगा, देखते हैं। और ये जो बाइक है चलाने में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। वैसे ये बाइक अभी चला जाएगा एक दो महीने के लिए बिहार, तो ये भी जा रहा है टूर पर बिहार, इसलिए इसमें फॉग लाइट्स इंस्टॉल किया गया है आगे में, तो एजेंसी की तरफ से फॉग लाइट्स इंस्टॉल किया गया है। काफ़ी मज़ा आने वाला है इसमें भी टूर करने में, क्योंकि इसका जो है टूरिंग में आपको मेरे वाले में अगर थोड़ा से भी डिस्कम्फर्ट आएगा ड्यू टू द सॉकर्स, उस इसमें तो वो भी नहीं आने वाले, क्योंकि इसमें भाई साहब काफ़ी ही स्मूथ सॉकर्स दे दिया गया है। और अगर वेट मेरे से ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से उनको एडजस्ट करने का भी एक जो एडवांटेज है वो मिल जाता है, जो हमारे एक्सपल्स 204 में हमें नहीं मिलता है वो एडजस्ट करने का। हाँ, मोनोसॉकर का हमें मिल जाता है थोड़ा एडवांटेज, लेकिन फिर भी डर लगता है कि मोनोसॉकर अगर बाई चांस हमें एक प्रॉब्लम दे सकता है, कि ज़्यादा अगर खेल गया मोनोसॉकर तो लीक हो सकता है। तो वही एक बात है। तो अभी हम जाते हैं जहाँ से वीडियो शुरू किए थे, वहीं पर जाके इस वीडियो का एक लास्ट कंक्लूजन देते हैं हम आपको, कंक्लूजन दे के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो चलिए मिलते हैं, 1 2 3। गाइस, शूल का हालत ख़राब हो चुका है, क्योंकि पता ही है अब टकराव ऑफ रोडिंग करके आ रहे हैं हम लोग। और ये रहा मेरे पीछे द रैली एडिशन एक्सपल्स 204 भी 2022। और जो डिफरेंस मेन इसका जो कुछ भी था, मेन स्पेसिफिकेशन, मेन फीचर्स इस बाइक का मैंने आपको बता दिया है, और जो एड ऑन्स है वो भी मैं बता दिया आपके, कि अब इसमें दो लास्ट एड ऑन्स है, एक है मैक्सिस के टायर्स और रैली का सीट, ये दो चीज़ है जो आप इसमें और एड ऑन कर सकते हैं, बाकी और उसमें उससे ज़्यादा और कुछ एड ऑन नहीं है इस बाइक में। तो इतना ही है,
और दो मेन क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे टाइम पे ये बाइक होता तो क्या मैं इसको लेता, परचेस करता? जो हाँ जी, मैं इसको ज़रूर परचेस करता। बस इसमें मुझे थोड़ा, जैसे मैंने अपने मुफासा में काम किया हुआ है, जैसे कि सैडल्स थे, वेडल्स थे लगाया है, तो इसमें भी थोड़ा लगाना पड़ता। और हाँ थोड़ा हाइट के लिए इशू होता, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक बेनिफिट भी होता कि कहीं भी किसी भी पैच में निकल जाता। क्योंकि जैसे अभी जो है मेरा मुफासा में, अगर मैं ज़्यादा हैवी लगेज माउंट कर देता हूँ तो क्या होता है, पीछे का सॉकर थोड़ा दब जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा अगर ऐसा ऑफ रोडिंग पैच आता है तो कभी कभी जो है सॉकर पूरा लग जाने का, मतलब ऐसा एक हालत आ जाता है। तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो ये एक बेनिफिट है इस बाइक के साथ। तो हाँ ज़रूर भाई साहब, मैं इस बाइक को ज़रूर परचेस करूँगा। और फिलहाल जो है प्राइसिंग का जो मैं अगर बताऊँ तो अगर आप लोग एक्सपल्स 204 भी जो नॉर्मल वाला आता है उसमें अगर आप रैली किट इंस्टॉल करोगे तो उसमें 40-50,000 आपका एक्स्ट्रा जाता है। मैंने परचेस किया था 150 में, तो उसमें 40,000 ऐड कर लीजिए तो आपको करीब से करीब बाइक 1,90,000 के अंदर आ जाता है। और ये जो है हमारा रैली एडिशन, ये आता है कम से कम आपका 1,76,000 के अंदर में, मतलब 1,80,000, मतलब फिर भी आपका 10,000 का बजट हो रहा है, बचत हो रहा है 10,000 का, अगर आप डायरेक्ट ये वाला वर्जन परचेस कर रहे हो तो। बस इसका एक ही नियम है परचेस करने का, ये आपको शोरूम में नहीं मिलता है, ये आपको हीरो के ऑनलाइन में जो शॉप है, ई शॉप है, उसमें जाके इसको ऑर्डर करना पड़ेगा और आपका जो नज़दीकी डीलर होगा वहाँ तक ये बाइक आपको भेज दिया जाएगा और आप वहाँ से इसको लेके आ सकते हो। तो यही था इस बाइक का टोटल रिव्यू मेरे तरफ से। आशा करता हूँ आप लोग को ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो जरूर से मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तब तक के लिए डू व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट इन ट्रैवलिंग होम, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ द डे। और हमारे दोस्तों को भी थैंक यू जिन्होंने मेरे साथ थोड़ा हेल्प कर दिया मुझे वीडियो बनाने में। तो बाय बाय गाइस, साइनिंग ऑफ फ्रॉम गुवाहाटी।